बाजों में रह रह के दगाबाज बन गए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज दोस्तों हमारे साथ में है विपिन। तो आज दोस्तों हम लोग आ गए हैं गांव। गांव में एक रस्म होती है जिसे दिवाई बोलते हैं। तो यहां पे जो है दिवाई की रस्म होने वाली है दोस्तों। तो आज हम लोग उसे जो है कैप्चर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि दिवाई की रस्म में क्या क्या होता है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखें कि इस रस्म में कैसे लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विपिन सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर एंड लाइक, तो दोस्तों जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये मंदिर आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये एंट्री गेट है मंदिर का। तो यहाँ से सभी लोग आ रहे हैं अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मूर्तियों के रूप में यहाँ छोटी छोटी जो रखी गई हैं और यहाँ पे सभी लोग एंट्री करते हुए गेट से। तो ये मंदिर है, काफ़ी जो है मान्यता इस मंदिर को है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मंदिर का पूरा व्यू है, ये मंदिर अंदर का जो अंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं मंदिर में, ये देखिए आप नाम देख सकते हैं। तो ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे जो मंदिर के बाहर यहाँ रखी गई है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे मंदिर के थोड़ा सा साइड में आकर के हम लोग यहाँ पे ये एक जो रस्म होती है, ये एक रस्म है जिसका नाम मैंने आपको बताया हुआ है कि दिवाई की रस्म है। यहाँ पे जो रस्म होती है ये मामा भांजे के बीच में होती है। तो ये रस्म, ये देखिए गाड़ी जो गिफ्ट के रूप में दी जा रही है, ये गाड़ी है जो भांजे श्री को गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ पे पंडित जी यहाँ पे पंडित जी जो है गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूजा हो रही है गाड़ी की, ये टीका बंधन हो रहा है गाड़ी का। तो यहाँ पे ये टीका बंधन हो चुका है गाड़ी का पूरी तरीके से। यहाँ पे जो है अभी ये जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चावल वगैरह इस पर छिड़क दिए गए हैं और ये गाड़ी चलने के लिए अभी तैयार है। तो तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी लोग देखिए, लेडीज़ लोग जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, ये लोग भांजे जी जो हैं उनकी तरफ से आ रखे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे जो रस्म है ये मामी लोगों की तरफ से की जाती है। तो यहाँ पे मामा लोग जो होते हैं उनके तरफ, ये जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे इनका निवास होता है, वहाँ पे भांजे लोग आते हैं फुल फैमिली के साथ में और वहाँ पे ये रस्म की जाती है। तो यहाँ पे ये मंदिर, कुछ मंदिर होते हैं जहाँ पे, जिस गांव में या जिस शहर में जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं, वहाँ पे ये रस्म होती है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा जो है रस्म का ये पूरा तरीका देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये पूरा जहाँ पे ये चल रहा है पूरा तरीका। ये देखिए रस्म जैसे की जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी रस्म जो है लगभग हो चुकी है। ये बहुत ही लंबी रस्म होती है, 1-1.5 घंटे की, जो कि काफ़ी देर तक ये रस्म चली थी। तो यहाँ पे ये भांजे जी हैं जिनका मतलब आज यहाँ पे जुटियाँ कटती है। ये नाई जी हैं जहाँ पे इनका ये कुछ बाल का हिस्सा जो काटा जाता है। तो ये देखिए अभी तैयार हैं अभी बाल काटने के लिए। और यहाँ पे ये पूरी पब्लिक जो है, देखिए गाइस कैसे किस तरीके से यहाँ पे जो है इनको दान दक्षिणा दी जा रही है नाई जी को। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा कह रहे हैं कि और दान दक्षिणा आ जाए, उसके बाद में ये काटेंगे बाल को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, कितना अच्छा, कितना प्यारा माहौल आप लोगों को दिख रहा होगा। कितने सारे लोग जो इस तरीके के सेलिब्रेशन होते हैं उसमें कितने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बेसिकली सी ये गाँव में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर नाई जी तैयार हैं काटने के लिए। तो दोस्तों देखिए, और दोस्तों इसे पूरा देखिएगा, देखिए अभी कैसे ये भागते हैं और बचते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, देखते हैं अभी बाल
जो है इनके थोड़े से काटे जाएंगे, बिल्कुल छोटे से हल्का हिस्सा काटा जाता है। उसके बाद ये भागते हैं और इन्हें पकड़ते हैं मामा लोग। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा हिस्सा ये देखिए काट दिया गया है और ये भाग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मामी लोगों ने इन्हें पकड़ा और ये फिर से छुड़ा करके भागे, तो आगे की तरफ फिर भाग रहे हैं और यहाँ पे देखिए फिर से पकड़ लिए गए। दोस्तों देखिए कितना अच्छा, मतलब जो है ये जो पूरा का पूरा एक रिलेशन का ये जो दायरा है, ये एक जो सेलिब्रेशन होता है और ये रस्म जो है इस तरीके से है कि देखिए कि पूरी पूरी रस्म कितनी प्यारी रस्म हो रही है। और ये एक रिलेशन का, यहाँ पे देखिए ये गिफ्ट कुछ दिए जा रहे हैं, मामा की तरफ से गिफ्ट दिए जाते हैं, नाना की तरफ से गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये देखिए गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो ये देखिए इनको गोल्डन चैन जो है गिफ्ट के रूप में दी गई है और भी बहुत सारे अभी इनको गिफ्ट मिलेंगे। देखते हैं कौन क्या गिफ्ट दे रहा है इनको। तो ये भांजे श्री हैं जिनका आज ये जो रस्म होनी थी इनकी हुई है। देखिए पैसे और ये देखिए एक रिंग, गोल्डन रिंग दी जा रही है इनको। तो ये सब भांजे के लिए सब गिफ्ट आज रखे गए थे मामा लोगों की तरफ से। तो ये गिफ्ट जो है भांजे को मिलते हैं, मामा लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। देखिए पैसे मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ जो है आज इनको दिया गया है और ये आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी मामी लोगों को और मामा लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्यारी रस्म है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ अच्छा, मतलब ये एक ऐसी रस्म होती है जो बहुत ही प्यारी रस्म होती है और बहुत कम देखने को मिलती है आजकल के ज़माने में। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे पैसे उलारे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, अभी थोड़ा सा डांस भी होगा यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो दोस्तों देखते हैं और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, डांस स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों देखिए और डांस का मजा लीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।